नमस्कार, सात रंग में आपका स्वागत है। अपने इस खास शो सात रंग सात कविताएं लेकर हम फिर एक बार आपके सामने मौजूद हैं। आज हमारे साथ आज के दौर के दो अहम दो महत्वपूर्ण कवि हैं, लीलाधर मंडलोई और कौशल किशोर। इनकी कविताएं सुनें, इनके बारे में जानें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस 19 जुलाई को मशहूर कवि गीतकार शायर गोपाल दास नीरज जी को गुजरे 2 साल पूरे हो रहे हैं। नीरज जी के साथ हमारी बहुत गहरी मुलाकातें बातें होती रहीं। सात रंग इस मामले में खुशकिस्मत है कि नीरज जी ने ही इसका लोकार्पण किया, और हम जब पिछली दफ़ा उनसे मिले तो उन्होंने हमें कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी सुनाई। बीमार थे, आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही थी, बावजूद इसके उन्होंने हमें बहुत ही अहम अपनी कविताएं सुनाई जो हम आपके लिए इस अंक में लेकर के आए हैं, और हम उन्हें उनकी उसी कविता से याद करेंगे। लेकिन अपने इस सफ़र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लीलाधर मंडलोई जी से और कौशल किशोर जी से। तो करते हैं शुरुआत सात रंग सात कविताएं। एक रचनाशील और संवेदनशील शख्सियत के कितने आयाम हो सकते हैं, ये आपको लीलाधर मंडलोई के सफरनामे को देखकर महसूस होगा। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाले मंडलोई जी तमाम उच्च प्रशासनिक पदों पर रहने के अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक भी रहे। एक कलाकार के तौर पर उनकी खास पहचान रही है, और एक बेहतरीन कवि तो वो हैं ही। अब तक 50 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके मंडलोई जी कविता, कहानी, आलोचना, कला संस्कृति, लोक परंपराओं, निबंध से लेकर बाल साहित्य तक लिख चुके हैं। कविता के लिए कबीर, पुष्किन, शमशेर, रजा, नागार्जुन, रामविलास शर्मा समेत तमाम पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। तमाम फिल्मों धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक रह चुके हैं, और फिलहाल नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। बेहद सक्रिय और सतत रचना कर्म में लगे रहने वाले लीलाधर मंडलोई ने सात रंग के दर्शकों के लिए अपनी कुछ कविताएं पढ़ी हैं। आइए सुनते हैं मंडलोई जी की 3 कविताएं। पुरखों की कई दुनियाओं की मृत्यु हो चुकी है, पुरखों की कई दुनियाओं की मृत्यु हो चुकी है, हमारी दुनिया की ना सही, एक दो यकीनन कुछ की मृत्यु तो हो ही चुकी है। देखते देखते टूट फूट रही है ये दुनिया रोज, देखते देखते टूट फूट रही है ये दुनिया रोज, और ये कल वाली तो नहीं है। कोई व्यक्ति कोई सरकार इसकी मरम्मत नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति कोई सरकार इसकी मरम्मत नहीं कर सकता। ये तय है कि हर बार आंधी तूफान बर्फबारी अरण्य अग्नि महामारी के बाद ये दुनिया दूसरी होगी। कोई व्यक्ति कोई सरकार इसकी मरम्मत नहीं कर सकता। ये तय है कि हर बार आंधी तूफान बर्फबारी अरण्य अग्नि महामारी के बाद ये दुनिया दूसरी होगी, और दूसरी दुनिया में हम पुरानों की एक नई गुजर भी होगी। हम पुरानी सांसों को नई दुनिया में पाकर हम पुरानी सांसों को नई दुनिया में पाकर नए तरीके से मरने को बाध्य होंगे, नए तरीके से मरने को बाध्य होंगे। किसी भरोसे में ना रहे, किसी भरोसे में ना रहे, ये दुनिया वो नहीं, ये दुनिया ना कहो एक ही समय में अब दूसरी हो
या ये भी हो सकता है कि तीसरी हो। मैं इस समय दो गज दूर नहीं, वरन छींकने खांसने पर कोसों दूर हो जाता हूं एक पल में। मैं दो गज दूर नहीं, वरन छींकने खांसने पर कोसों दूर हो जाता हूं एक पल में, और यदि बुखार हो जाए तो घर या अस्पताल के किसी अनाम दड़बे में फेंक दिया जाता हूं सालों दूर। अब जहां वार्ड बॉय ना होगा कल वाला, और डॉक्टर नर्स के आने के बारे में थर थर कांपते 100 बार वे लोग सोचेंगे, इतना ही होता तो गनीमत थी, खुदा ना खास्ता ये संक्रमण आमादा हो उठे आपको साथ ले जाने को, एक नंबर में तब्दील हो जाएगी ये दे। लावारिस कहां होगी, किधर खो जाएगी, ये जानने को ना कहो, ये उम्र नाकाफी हो जाए। यकीन मानिए, दूरियों के रिश्ते इतने दूर जा पड़ेंगे कहीं अरूप होकर, कि जिस दुनिया में खुलेंगी अब आंखें, वो दूसरी को लांग कब की तीसरी हो चुकी होगी। वे लौट नहीं रहे, हाँ वे लौटते थे अपने तीज त्योहार पर, वे कमा के लौटते थे, वे खुश खुश लौटते थे, उनके बच्चे के हाथों में खिलौने होते थे, सस्ते लेकिन उनके दमकते चेहरों के सामने दुनिया कंगाल दिखा करती थी, और फूलों में उनके लौटने पर रंग खिल उठते थे और खुशबू चौगुनी हो जाती थी। उनके बच्चों के हाथों में खिलौने होते थे, सस्ते लेकिन उनके दमकते चेहरों के सामने दुनिया कंगाल दिखा करती थी, और फूलों में उनके लौटने पर रंग खिल उठते थे और खुशबू चौगुनी हो जाती थी, और घर का माहौल ईद और दिवाली सा उठता था। तब उनके लौटने पर लोग अपने गीतों के साथ मदमस्त हो उठता था। अभी वे लाखों लाख मजबूर और भयाक्रांत अपनी बची खुची गृहस्थी को सिरों पर उठाए और बच्चों की जिंदगी को बचाने का ख्वाब लिए बिना गाड़ी घोड़ा के भाग रहे हैं। वे भाग रहे हैं गिड़गिड़ाते हुए कि उन पर रहम हो, भूखे प्यासे और बिन पैसों के डंडे खाते, मुर्गा बनते और उकड़ू मुद्रा में वे बमुश्किल सही भाग रहे हैं। वे जान बचाने की गरज से भाग रहे हैं, और इस तरह घरों की ओर बेतहाशा भागना दोस्तों घर लौटना नहीं है, अभी आपने सुनी लीलाधर मंडलोई जी की 3 कविताएं, उनके बारे में जाना। अब हम आपको ले चलते हैं कौशल किशोर के पास। आज के दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं, संघर्षों से निकले हैं, और उनकी कविताएं और उनकी सक्रियता लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो चलते हैं कौशल किशोर के पास। कवि, समीक्षक, संस्कृति कर्मी और पत्रकार कौशल किशोर कोरोना काल में बेहद सक्रिय हैं और डिजिटल मंच पर तमाम कवियों को लगातार अपने साथ जोड़कर आम लोगों तक उनकी रचनाएं पहुंचा रहे हैं। कौशल जी ने 60 के दशक से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। युवावस्था से ही जन आंदोलनों से जुड़े रहे और पत्र पत्रिकाओं में लिखते और उनका संपादन करते रहे। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में रहे कौशल किशोर ने सैकड़ों लघु पत्र पत्रिकाओं में और मुख्य धारा के कई अखबारों के लिए लिखा। उनका कविता संग्रह वह औरत नहीं महानद थी खासा चर्चित हुआ। फिलहाल रेवांत नाम की पत्रिका के संपादक हैं और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 7 रंग के लिए कौशल किशोर की 3 कविताएं सुनिए। मैं कौशल किशोर, प्रस्तुत है मेरी 3 कविताएं। कविता का शीर्षक है
चिड़िया और आदमी। चिड़ियों को मारा गया इसलिए कि उनके पंखों के पास था विस्तृत आसमान, नीचे घूमती हुई पृथ्वी, और वे इन सब को लांग जाना चाहती थी। आदमियों को मारा गया इसलिए कि वो चिड़ियों की तरह उड़ना चाहते थे, उन्मुक्त हवा की तरह बहना चाहते थे, स्वच्छंद जल स्रोतों की तरह अपना तल स्वयं तलाश रहे थे। चिड़ियों के लिए मौसम ने आंसू बहाए, चिड़ियों के लिए मौसम ने आंसू बहाए, आदमियों के लिए आंसू बहाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए, आदमियों के लिए आंसू बहाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। जाना, लौटना और भटकना, जाना, लौटना और भटकना। आइए, एक कवि को जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया लगे, फिर भी उसे जाना पड़े। दूसरे को लौटना असंगत नजर आए, इस कदर कि वह अपने गांव में खड़ा हो इस दुस्वप्न के साथ कि वह उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा है, और तीसरे को कदम कदम पर चौराहे मिले, सही दिशा लुप्त हो और भटकना नियति बन जाए। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं है। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं हैं, जीवन की ऊबड़ खाबड़ क्रियाएं हैं, हमारे समय का सबसे बड़ा सत्य है। दुआबा की नदियां। दो नदियों के बीच बसा है अपना गांव, माझी पुल की दिशा में मुंह हो तो दाहिने हाथ गंगा है, बाएं हाथ सरयू, कहलाता है यह क्षेत्र दुआबा। नदियां कटार भी चलाती हैं, प्यार भी जताती हैं। ये सर्प की तरह फुफकारती हैं, इतनी भूखी कि जो मिले उसे लील जाती हैं। खेत, बघार, गांव, जवार, माल मवेशी, खड़ी फसलें, दुआबा का कोई कोना उनकी मार से न बचे, सबको लहूलुहान कर दे। वहीं जब प्यार पर आए तो सारी प्रेम कथाएं छोटी पड़ जाए, वे खेतों में नई मिट्टी लाती हैं, फसलें लहलहा उठती हैं, मह मह कर उठता घर और द्वार, हर तरफ जिधर देखो उधर अनाज ही अनाज, सब लहा लोट, बच्चे लोट पोट। दुआबा के लिए ये नदियाँ भक्षणी से ज्यादा जीवनदायिनी है, ये कहर बन टूटती हैं तो सुख से तर कर देती हैं, आँखों में खुशी के आंसू भर देती हैं दुआबा की नदियाँ। और अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण रचनाकार की, उस कवि की, उस शायर की, उस गीतकार की, जो बेशक अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके गीत, उनकी कविताएं लगातार बरसों बरस तक हमारे बीच रहेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल दास नीरज की। उनके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनकी हम सिर्फ एक कविता आपको सुनाएंगे जो उन्होंने सिर्फ
सात रंग के लिए हमारे लिए अपने घर में उन्होंने ये कविता रिकॉर्ड कराई जो आज के दौर में बेहद प्रासंगिक है। तो सुनिए गोपाल दास नीरज को। अब जानो को यहाँ वनवासी देना पड़ेगा, अब जानो को यहाँ वनवासी देना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब जानो को यहाँ वनवासी देना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। हर तरफ आतंक है फैला, यहाँ पर हर किसी के शीश पर तलवार एक बिंदी खड़ी है। कब्रिस्तान की मानद खामोश बस्ती उल्लुओं की ही महज आवाज पेड़ों पर जड़ी है। नीड़ का निर्माण करते थे कोयल के लिए जो चीड़ गिद्धों के पसीनों का समर्थन कर रहे हैं। अब जानो को यहाँ वनवासी देना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। जोड़ते थे जो सभी पिछड़े दिलों को, जोड़ते थे जो सभी पिछड़े दिलों को, पाटते थे जो सभी खाइयाँ। ईद होली के मेरे त्यौहार पर जो बजाते थे मधु शहनाइयाँ। आज वही लोग लेकर नाम मजहब का, आज वही लोग लेकर नाम मजहब को बांटने वाली मुडेरों का समर्थन कर रहे हैं। वो जानो को यहाँ वनवासी आग्रह था। सुना हमने कि जब खास नेवर से जाग दी थी किस्मत है सोए जबानों की, ता सुना हमने कि जिनके खास नंबर से चाक दीदी किस्मत सोए जमानों की, और जिनके क्रोध की चिनकारियाँ छूकर टूट जाती थी सड़ाखें जेल खानों की। आज वही लोग पद के लोभ लालच में, आज वही लोग पद के लोभ लालच में देश के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवासी लेना पड़ेगा, सूर्य की बेटी अंधेरों का समर्थन। तो आज के इस शो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए कवि के साथ, उनकी कविताओं के साथ आपसे हाजिर होंगे, मुखातिब होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल सात रंग सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक हमारी सूचनाएं लगातार पहुंचती रहें। नमस्कार।